ओके तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर हमें व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी ये कमेंट करें कि सर कंपार्टमेंटल एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा क्या वो हार्ड होगा, या फिर जो एनुअल एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में जो क्वेश्चन था उससे भी ज्यादा हार्ड होगा, मतलब के तरह तरह के उनके माइंड में सवाल आ रहे हैं। तो गाइज हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में यही क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पे ही वीडियो को बनाया जाता है। अब गाइज हम आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देते हैं। देखिए आप लोगों के माइंड में जो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जो कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है, कंपार्टमेंटल लगता है, कंपार्टमेंट आप बोलते हैं, कंपार्टमेंट जो लगता है, तो बच्चों से हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। बट गाइज यहाँ पे रियलिटी कुछ और ही है। जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जो आप लोगों का एनुअल एग्जाम होता है उससे भी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है कंपार्टमेंट में। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? अब देखिए कंपार्टमेंट एग्जाम कौन बच्चे देते हैं? जिनको किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं और वो फॉर्म भरते हैं कंपार्टमेंट का, ठीक है। कंपार्टमेंट का फॉर्म भरने के बाद वो एग्जाम देने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बिहार बोर्ड ऐसा तो नहीं चाहेगा कि जो बच्चा एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गया वो कंपार्टमेंट एग्जाम में भी फेल हो जाए और उसका जो है एक साल बर्बाद हो जाए, ऐसा तो बिहार बोर्ड चाहेगा नहीं, या कोई अदर बोर्ड भी, ठीक है। तो जो एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उससे भी इजी और उससे भी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के, सॉरी जो कंपार्टमेंटल एग्जाम होने वाला है इसमें, एज रिगार्डिंग टू एनुअल एग्जाम, जो एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उससे भी इजी होता है, ताकि बच्चे इसको क्लियर कर पाए और अपना फ्यूचर आगे बना पाए। अब ये क्लियर आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि ये जो मैं बताया हूँ ये कहाँ तक आप लोगों को सच लग रहा है और कहाँ तक आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने पता क्या है टीचर से पूछा है कि सर क्या कंपार्टमेंट एग्जाम जो होता है इसका क्वेश्चन पैटर्न जो आता है या क्वेश्चन जो आता है क्या वो टफ होता है एज रिगार्डिंग टू एनुअल? तो सर का सीधा जवाब था कि टफ होगा तो फिर बच्चे एनुअल में जो फेल हुए हैं वो कंपार्टमेंट में भी फेल हो जाएंगे फिर से। तो सीधा यहाँ पे आंसर मिल गया कि क्वेश्चन इजी होगा एज कंपेयर टू एनुअल एग्जाम। तो आप लोग माइंड एकदम फ्री रखिए और एकदम लाइट वेट में, ऐसा भी नहीं है कि तैयारी नहीं कीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है, बट ये कन्फ्यूजन माइंड से हटा दीजिए कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही टफ क्वेश्चन होगा जिसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन डाउट क्वेरीज था इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज कोई भी कन्फ्यूजन डाउट क्वेरीज है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।